रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम उस पाकिस्तान की तारीख पढ़ रहे हैं। तो 1946 में इंतखाबात में मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम लीग ने कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग ने 1946 के इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को शिकस्त दी। मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट देकर साबित कर दिया कि पाकिस्तान का क्याम अवामी और जमहूरी मुतालबा है। और उस वक़्त मुस्लिम लीग की क़यादत जो है वो कायद अज़म कर रहे थे, और जो हिंदुस्तान का वायसराय है लॉर्ड वेवल था, गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया। तो 1946 में वायसराय हिंद ने कांग्रेस को अबूरी हुकूमत कायम करने को कहा। कांग्रेस में हिंदुओं की पार्टी थी और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। जवाहरलाल नेहरू ने अबूरी सदर का हलफ उठाया। मुस्लिम लीग ने भी अबूरी हुकूमत में शामिल होने का फैसला किया। ये आप देख सकते हैं, कायदे आज़म जवाहरलाल नेहरू के साथ खड़े हैं। तो 3 जून 1947 का मंसूबा पेश किया गया। इसमें कायदे आज़म नवाबजादा, लियाकत अली खान वायसराय और इंडियन लीडर शामिल थे। हिंदुस्तान के तकसीम के फॉर्मूले को 3 जून का मंसूबा कहते हैं। इसके मुताबिक जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके थे उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होना था और बाकी इंडिया। तो जिसके तहत हिंदू सिख और मुसलमानों ने हिंदुस्तान की तकसीम को तस्लीम किया। तो बंगाल जो है वो मशरकी पाकिस्तान बना, जो बाद में बांग्लादेश बन गया। और कश्मीर में अभी भी खूनरेजी जारी है, और जो जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं ये शुरू में मगरबी पाकिस्तान कहलाता था। तो 14 अगस्त 1947 को क़याम पाकिस्तान हुआ, और यानी पाकिस्तान को वजूद में आ गया 14 अगस्त 1947 को। कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। पाकिस्तान को आज़ादी के बाद बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। एक तो ये कि मुसलमानों को मजबूर किया गया कि क्योंकि अंग्रेज़ों ने बरे सगीर छोड़ दिया, तो इससे हिंदू मुस्लिम फसाद फूट पड़े और लूट मार शुरू हो गई। लाखों करोड़ों के हिसाब से मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। बहुत सी औरतों की इज्जतें लूटी गई। लुटे फूटे माजरीन की ट्रेनें रोज़ाना पाकिस्तान पहुँचती थीं। वहाँ से भरी हुई ट्रेनें चलती थीं और खाली खून से भरी हुई ट्रेनें पहुँचती थीं। लाखों लोगों को हिजरत पर मजबूर किया गया। मुस्लिम अक्सरियत के अजला गुरदासपुर, फिरोजपुर और जूनागढ़ इंडिया के हवाले कर दिए गए। हर मामले में नाइंसाफ़ी की अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने मिल के, क्योंकि पंजाब के मुस्लिम अजला के लोगों ने पाकिस्तान में आना था। पाकिस्तान को माशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए हर मामले में धोखे से काम लिया गया। यानी फौजी साजो सामान भी कम दिया गया, पैसे भी कम दिए गए। तो अगर हम इन चीज़ों को समराइज करें तो जुग्राफियाई मसाइल थे कि गैर मुनसफाना तकसीम हुई, फिर महाजरों के मसाइल थे, सियासी मुश्किलात थी, माशी मुश्किलात थी, फौजी सामान की तकसीम में मुश्किलात थी, नहरी पानी की तकसीम में माशरती मसाइल थे, और मसला कश्मीर को दुखती रग की तरह खाली छोड़ दिया गया। क्योंकि लोग अपना सारा कुछ लुटा पुटा के पाकिस्तान बुरे हालों पहुँच रहे थे, बल्कि कई तो पहुँच ही नहीं सके। कायदे आज़म ने जो है वो भी जल्दी फौत हो गए। 1948 11 सितंबर को कायदे आज़म फौत हो गए। कायदे आज़म ने कहा, मैंने बहुत दुनिया देख लिया, अल्लाह ताला ने इज्जत भी बेहिसाब दी है, अब मेरी ज़िंदगी की एक ही तमन्ना है कि मुसलमानों को बावकार और सर बुलंद देखूँ। मेरी ख्वाहिश है कि जब मरूँ तो मेरा दिल गवाही दे के जनाह ने अल्लाह के दीन इस्लाम से खयानत और पैगम्बर इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से गद्दारी नहीं की। तो प्यारे बच्चों, हमें भी कायद की ज़िंदगी से सबक सीखना चाहिए। हमें सच के रास्ते को अपनाना चाहिए कि जब हम अल्लाह के सामने जाएं तो सरखरू हों। कायद तो हमारे लिए मुल्क बना गए, हाँ, तो हमने इस मुल्क को संवारना है, मैंने और आपने। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले यह है कि आपको ये हिस्ट्री का जो तारीख है ये इसलिए आपको सुना रही हूँ कि आपको पता चले कि पाकिस्तान एक स्पेशल मुल्क है जिसकी बुनियादों में बहुत से शहीदों का खून है। और अगर मैं और आप इससे सबक नहीं सीखेंगे तो दूसरे लोग हमें गाजर मूली की तरह खा जाएंगे। तो हमें अपने आप को भी मजबूत करना है। अगर हम मजबूत होंगे, हमारा अकीदा एक अल्लाह पे ईमान, एक नबी की सुन्नत की पैरवी करना, एक तफरका ना डालना, तो
تو اس سے پاکستان مضبوط ہوگا. خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. تو پیارے بچوں, سب سے کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں, اپنی تعلیم پہ توجہ دیں, اسکول میں توجہ سے پڑھیں, استاد کی عزت کریں. روز کا روز ہوم ورک کرنا آپ کا کام ہے. اس کے علاوہ اپنی صحت کا خیال رکھنا, وقت پہ سونا جاگنا, بری چیزوں سے دور رہنا, یہ گڈیاں اڑانا, گندے لوگوں سے باتیں کرنا زیادہ دیر ٹی وی پہ, فیس بک پہ اور موویز دیکھنا, یہ ساری بری چیزیں ہیں. ورزش کرنا اور اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینا. تو پیارے بچوں, امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا.